विजिलेंस की टीम ने मुख्य शिक्षा अधिकारी जगमोहन सोनी को घूस लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया है, जिसके बाद जगमोहन सोनी की मुसीबतें और भी बढ़ गई। दरअसल सीओ ने शिक्षक की जांच निपटाने के लिए रिश्वत मांगी थी। शिकायत की पुष्टि के बाद विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की और मौके पर सीओ को उनके कार्यालय में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया गया। सीओ के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विजिलेंस की टीम की तलाशी में सोनी के घर में हर से 1.93 लाख रुपए की नकदी भी बरामद हुई। अधिकारी सोनी को सस्पेंड करने का शासन को आदेश दे दिया गया है। ये गंभीर विषय है और बेहद दुखद भी है कि इस प्रकार की जो घटना हुई है, और विभाग इस संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा और वहां पे जो डीओ माध्यमिक जो वरिष्ठम है वो इस कार्य को देखेंगे। रिश्वतखोर मुख्य अधिकारी जिसको रंगे हाथों दबोच लिया गया, अधिकारी जगमोहन सोनी जिनको लेकर शिकायत मिली थी, विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों इन्हें आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है और अधिकारी सोनी को सस्पेंड करने का शासन की ओर से आदेश भी दिया गया है। सौरभ भाटी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सौरभ, कई बार शिकायतें मिली, कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अंत में विजिलेंस की टीम ने यहां पर रंगे हाथों इन्हें दबोच लिया है। बिल्कुल, देखिए, जब शिक्षा विभाग में तैनात अधिकारी ही अपने शिक्षकों का शोषण करेंगे तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां पैदा होना लाजमी है। पहले भी जो जगमोहन सोनी है उनके खिलाफ इस तरीके के मामले सामने आए थे, जिसके बाद जो है खुद शिक्षा मंत्री ने उन्हें सस्पेंड करने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन उसके बावजूद उनको सस्पेंड नहीं किया गया था। आज जब वो जो रंगे हाथ पकड़े जाते हैं तो खुद शासन के बड़े अधिकारी संज्ञान लेते हैं और उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि जो विजिलेंस ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा तो इनकी पहले भी शिकायतों को देखते हुए उन पर कार्रवाई की गई। शिक्षा विभाग के जो निदेशक है उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये बहुत चिंतनीय विषय है, अगर इस तरीके की चीजें अगर सामने आती है तो शिक्षा विभाग की भी जो इससे भत पिटती है, उनकी जो है फजीहत होती है। अगर बड़े पदों पर बैठे अधिकारी अगर इसी तरीके के काम करेंगे तो बिल्कुल, और इसी के बाद सौरभ हम कह सकते हैं कि और भी कई ऐसे अधिकारी जिनको लेकर शायद शिकायतें मिल रही होंगी, अब उन पर कहीं ना विजिलेंस की टीम जो है वो सख्त कार्रवाई करेगी आने वाले वक्त में। देखिए, जब शिकायतें होती है उसके बाद कार्रवाई होना जरूर जो है माना जाता है, लेकिन अभी ऐसी कोई शिकायत नहीं है और कोई ऐसी मॉनिटरिंग भी नहीं होती जिससे ये कहा जा सके कि शिक्षा विभाग के जो प्रदेश में अधिकारी बैठे हैं वो इनकी समीक्षा करेंगे, क्योंकि जब हमने कल खुद जो है निदेशक से पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि भ्रष्ट अधिकारियों की कौन सी सूची है, कौन जो इस पर कार्रवाई कर रहा है, कौन इसकी मॉनिटरिंग करता है, और कभी कोई ऐसी शिकायत होती है तो उस पर विभाग अंदर खाने जांच जरूर करता है, वो जांच सामने कभी नहीं आई है। अब ऐसे में अधिकारियों को खुद इस चीज का संज्ञान लेने की जरूरत है जो भविष्य में इस तरीके की चीजें सामने ना आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए।